गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पार्ट 6 समय का विसर्ग चिन्ह करेंगे अभ्यास का। ऊपर दी गई पंक्तियों में पुनः शब्द में विसर्ग चिन्ह का प्रयोग किया गया है। विसर्ग का उच्चारण लगभग ह के समान होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा इसका। अब आप नीचे दिए गए शब्दों के उच्चारण का अभ्यास कीजिए। अध परिणाम तह नमः मनः प्रातः काल पुनः। सेकंड क्वेश्चन है बेटा, नीचे दिए गए शब्दों में उचित स्थान पर विसर्ग चिन्ह लगाइए। अतः फलतः अंतःकरण संभवतः प्रायः विशेषतः। बेटा थर्ड क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्यों में मोटे काले शब्दों की जगह विसर्ग चिन्ह वाले उचित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्यों को दोबारा लिखिए। क बेटा, तुम अपनी दुविधा को बिना किसी संकोच के हमें बताओ। इसका लिखिए, तुम अपनी दुविधा को निसंकोच, निसंकोच हुआ बिना संकोच के, बिना शर्म के, से हमें बताओ। इसलिए महंगाई की समस्या को समूल नष्ट करना अति आवश्यक है। अतः महंगाई की समस्या को समूल नष्ट करना अति आवश्यक है। थर्ड है बेटा, गंगू ने भ्रष्टाचार फैलाया, परिणाम स्वरूप पकड़ा गया। गंगू ने भ्रष्टाचार फैलाया, परिणामतः पकड़ा गया। फोर्थ है बेटा, देश में अक्सर सभी वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं। देश में प्रायः सभी वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं। पांचवा बेटा, अशुद्ध शब्द को शुद्ध करके दोबारा लिखें। आंसर है, अशुद्ध शब्द को शुद्ध करके पुनः लिखें। सिक्स्थ क्वेश्चन, इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुमने अच्छा काम किया है। इसमें कोई निसंदेह तुमने अच्छा काम किया है। फोर्थ क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित गद्यांश में से जातिवाचक भाववाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द छांट कर लिखिए। रणथंभौर के राणा हमीर अपने दादा दरबार में बैठे अपना राजकाज देख रहे थे। किसी ने पुकारा, मैं आपकी शरण में आया हूँ महाराज। हमीर ने आंखें ऊपर की तो देखा कि एक मुसलमान योद्धा उनके सामने था। उसका सिर झुका हुआ था और गला व्यथा से भराया हुआ। कौन हो तुम, हमीर ने पूछा। जातिवाचक संज्ञा काज राजकाज दरबार जाति, तो आपको पता है पूरी जाति को जो संबोधित करते हैं उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। महाराज, आंखें, मुसलमान, सिर, गला, योद्धा। भाववाचक जिसमें भाव का के बारे में बताया जाए उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। व्यथा शरण। व्यक्तिवाचक किसी व्यक्ति को संबोधित किया जाए, रणथंभौर राणा हमीर। फिफ्थ क्वेश्चन है, नीचे खंड क में शब्द दिए गए हैं और खंड ख में उनके पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। शब्दों को उनके पर्यायवाची शब्दों से मिलाइए। पुत्री सुता तनया बेटी, असुर दानव दैत्य धनुज निशाचर, गंगा भागीरथी देवनदी सुरसरी, पृथ्वी अचला धरती धरा वसुधा, देवता देव सुर अमर अजर। सिक्स्थ क्वेश्चन है बेटा, बाईं ओर नीचे दिए गए शब्दों में उपयुक्त विलोम शब्दों को दाईं ओर दिए गए शब्दों में से छांटिए और घेरा लगाइए। उपकार, उपकार का विलोम होगा अपकार। उदार अनुदार साकार निराकार नवीन प्राचीन, उदय अस्त कायरता वीरता। सेवंथ क्वेश्चन है,
नीचे दिए गए मूल शब्दों में उचित उपसर्ग अथवा प्रत्यय लगाकर नए शब्द लिखिए। यतन, प्र प्लस यतन प्रतन, भीषण वी प्लस भीषण विभीषण, स्मय स्मय प्लस इक सामयिक, इतिहास इतिहास प्लस इक ऐतिहासिक, बल बल प्लस वान बलवान। 8th क्वेश्चन है, कविता स्मय में से संयुक्त व्यंजन वाले चार शब्द छांटकर लिखिए। प्रयत्न, नुक्ता, प्यारा, योद्धा। 9th क्वेश्चन है, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, खाने के साथ यदि अचार भी हो तो मजा आ जाए। ये अचार खाने वाला है और अचार क्या होता है, व्यवहार। ख, रामचरित मानस अवधि भाषा में लिखी गई है। एक अवधि भाषा हो गई, अवधि एक समय हो गया। ग, चाहे प्राण चले जाएं पर अन्याय का साथ मत दो। अन्याय होता है किसी पर क्या करना, बुरा व्यवहार करना या बुरा। अन्या अथवा अन्यथा कोई और। घ, 1 मई को विद्यालय के वार्षिक परिणाम निकलेंगे। परिणाम रिजल्ट, परिमाण, किसी चीज़ का नाप तोल करना। नियत समय पर, एक निश्चित समय पर काम करने वाला व्यक्ति ही जीवन में उन्नति करता है। नियत हुआ कि निश्चित समय, नियति हुई आपके जो किस्मत है, जो आपका समय के अनुसार निश्चित है, जो नियति होती है किसी के समय पर जो चीज़ आपके साथ घटित होती है, वो उसको बोलते हैं हम नियति का खेल। बेटा इसको आप अपनी बुक पे नोट कर लें और याद भी कर लें। धन्यवाद।